स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एनईटी सेक्शन के पास। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना, ऐसी कोई एक रिएक्शन गिवन है, एक्स और से वाई की तरफ हम जा रहे हैं। कहता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज दिस मच 30, और कहता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितनी है, -20। अब आपको पता ही है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -20 मतलब कुछ इस तरीके से, है ना, ऐसा कोई ग्राफ एक बनेगा, है ना। ये क्या होता है भाई, डेल्टा एच हमारा। ये क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये क्या चीज होती है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। आपने ग्राफ जरूर पढ़े होंगे, है ना। अब हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है भाई, हमें बता दिया कि जो डेल्टा एच है वो कितना है, -20। डेल्टा एच हमें कैसे निकालते हैं, है ना। अब हमें देखना है डेल्टा एच कितना है भाई, -20। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कितनी है, 30। तो एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन के लिए हम कैसे निकालेंगे, -EA ऑफ दिस बैकवर्ड। तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन कितनी आ जाएगी, 30 + 20 विच इज 50। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन कितनी हो गई, 50 kJ/mol। इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। वो कह रहा है कि इन Mn2CO10, आई एम श्योर आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर देखी होगी भाई, है ना। और इसकी स्ट्रक्चर अगर आपने देखी हो तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर थी, ठीक है। मैग्नीज, मैग्नीज में एक सिंगल बॉन्ड था और पांच यहां पर CO थे, 1, 2, 3, 4, 5, और पांच ऐसे ही यहां पर जो है कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट थे। कार्बोनाइल ये सीओ ब्रिज की तरह यहां पर नहीं था, ठीक है। तो ब्रिजिंग सीओ बॉन्ड कितने हो जाएंगे यहां पर, 0, ठीक है। और ध्यान रखना ये मैग्नीज, मैग्नीज में जो बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड, ये डेल्टा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, है ना, एक डेल्टा बॉन्ड भी होता है ना, तो वो इनके बीच में होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है। देखो भाई, इतने ज्यादा ज्यादा इजी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं फिर भी लोग कहते हैं कि सर हमारी तो किस्मत खराब है, ठीक है। 3, 2, 5 और 3, 8, 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स है भाई इस आपके जो नंबर गिवन है इसमें, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी सा था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, कह रहा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एंड डाइक्रोमेट चेंजेस इन बेसिक मीडियम। तो भाई क्या होता है, अगर आप बेसिक मीडियम डाल दोगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डाइक्रोमेट। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमेट में, है ना। और क्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +6। यहां भी क्या है, +6, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ठीक है। आंसर क्या है, सिंपली 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास अब हम चलते हैं। ये कह रहा है क्या कि पी वी माइनस बी, है ना, कहता है क्या पी वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। अब कह रहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यूज निकालनी है, डेल जेड बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक्स बी बाय आर टी। बड़ा आसान काम है भाई, देख के लोग घबरा जाते हैं, कुछ भी नहीं किया आपको, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया पी वी माइनस, आपने जेड का रिलेशन तो किया ही होगा ना, वही तो है, सबको आर टी से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा पी वी बाय आर टी, वो क्या होता है जेड। ये वैल्यू क्या आ गई, 1, माइनस वहां जाके क्या बन गया, प्लस, सबको आर टी से डिवाइड किया ही था, ठीक है। जेड क्या आया, 1 + PV बाय आर टी। अब क्या कह रहा है देखो, डेल जेड बाय डेल पी, इसका मतलब है जेड का डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू पी, कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। तो डेल जेड बाय डेल पी, डेल हम लगाते हैं जब पार्शियल डेरिवेटिव हम करते हैं, तो हमने तो 1 का तो डेरिवेटिव क्या होगा, 0। कह रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब टी तो आगे आ जाएगा, आर तो एक कांस्टेंट है ही है, बी तो एक कांस्टेंट है ही है, तो क्या आ जाएगा बी बाय आर टी। और पी का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, सिंपल 1। तो ये डेल जेड बाय डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर वैल्यू क्या है, बी बाय आर टी। और हमें एक्सप्रेशन क्या गिवन है, ये मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सिंपल 1 आ गई, देख रहे हो।
थोड़ा सा देखने में लग रहा था बस ये, वैसे कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, राइट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। कह रहा है डेल्टा एच कितना है, 80 किलो जूल। डेल्टा एस कितना है, ट्वाइस ऑफ टी जूल पर केल्विन। आप कह रहा है एक व्हाट मिनिमम टेम्परेचर रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। आपने कंडीशंस पढ़ी ही है कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर देन, है ना, सॉरी, शुड बी लेस देन 0 फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो हमें पता है टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, ठीक है ना। टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, बस उन्हीं चीजों का हमें ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। चलो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है भाई, ये किलो जूल है, ये जूल है, ध्यान रखना, 80,000। माइनस डेल्टा टी की, सॉरी डेल्टा एस की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ टी, एक टी ये भी है, क्या हो गया भाई, -2t² लेस देन 0। तो कितनी वैल्यू आ गई, इसको उस तरफ लेके चले जाते हैं, है ना। तो क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 80,000। तो टी इज ग्रेटर देन क्या आ गया, 2,000। केल्विन अबव पे जो रिएक्शन है हमारी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली आंसर क्या हो गया, 200। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि भाई, कह रहा है कि 3.12 ग्राम ऑक्सीजन जो है ये 1.2 ग्राम प्लेटिनम ने एट 300 केल्विन एडसॉर्ब की, और प्रेशर क्या है, 1 atm प्रेशर पे। 1 atm प्रेशर पे 1.2 ग्राम प्लेटिनम जो है वो 3.12 ग्राम ऑक्सीजन को एडसॉर्ब कर सकता है। तो कह रहा है ये जो ग्राम्स में निकाला है इसको लीटर्स में बताओ, और कुछ भी नहीं, और 1.2 ग्राम की जगह पर ग्राम ऑफ प्लेटिनम बता दो। सो वॉल्यूम की टर्म्स में कह रहा है, हमें क्या पता है भाई, PV इज इक्वल्स टू NRT, प्रेशर हमें गिवन है 1, वॉल्यूम हमें नहीं पता, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं ना, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। R की वैल्यू क्या है, 0.082, है ना, ATM के टर्म्स में हम लिख रहे हैं। टेम्परेचर कितना गिवन है भाई, 300, ठीक है। यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो वॉल्यूम जो है लीटर में आएगा वो 2.4 लीटर के अप्रोक्सीमेटली आएगा। सो 1.2 ग्राम प्लेटिनम कितना वॉल्यूम एड्सॉर्ब करता है, 2.4 लीटर ऑक्सीजन पर ग्राम पूछा है, मतलब 1 ग्राम प्लेटिनम कितना एड्सॉर्ब करेगा, 1.2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया भाई, 2 लीटर। आंसर क्या आ गया, सिंपली 2, ठीक है। तो आसान सा था थोड़ा ना, खुद पे भरोसा रखिए और क्वेश्चंस को अच्छे से ट्राई करो भाई, तभी मजा आएगा। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि हाउ मच फेराडेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड। एनसीईआरटी का अगेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। कहता है कि MnO4 नेगेटिव को एसिडिक मीडियम में तो Mn2+ में कन्वर्ट होता है। n फैक्टर कितना है, 5, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन्स का। तो 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए कितने फेराडे चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी, 5 फेराडे। 5 मोल्स के लिए कितनी चाहिए होंगी, 25। यस, इतना ही इजी था ये क्वेश्चन, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, है ना, लास्ट क्वेश्चन जो मेमोरी बेस्ड हमें पता चला था वो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में क्या कहा है, कह रहा है भाई Ab2 है वो डिसोसिएट होता है इस वे में कि ए, ठीक है, सारे गैसेज स्टेट में भी है, ट्वाइस ऑफ पी। ओके, इसका 1 मोल था इनिशियली, इसके 0, इसके 0, है ना, 1 माइनस अल्फा, अल्फा 2 अल्फा, ये तो हमें पता ही। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई 1 मोल ऑफ Ab2 इज इनिशियली प्रेजेंट इन 25 लीटर कंटेनर और 300 केल्विन। देख रहे हो क्या क्या आपको चीजें बता दी, आपको बता दिया इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है, हमें क्या बता दिया, इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर है वो 1.9 है, ठीक है। इक्विलिब्रियम वॉल्यूम तो हमारा उतना का उतना ही रहेगा कंटेनर का, तो प्रेशर की वैल्यू पता है, वॉल्यूम की वैल्यू पता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्विलिब्रियम पे कितने हैं हमें नहीं पता। या तो परसेंटेज डिसोसिएशन बता देता, नहीं बता रहा तो हमें डिफरेंट वे से निकालना पड़ेगा। तो PV इज इक्वल टू N इंटू आर,
आप आर की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना है भैया, 300 केल्विन। यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स सॉल्व कर सकते। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट इसमें ज्यादा था, तो आई विल नॉट एक्सपेक्ट कि आप लोग ये वाला क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट करो, टाइम कंज्यूमिंग है ना बहुत ज्यादा। तो जब भी आप सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.93 आ रही है, मोल्स आ रही है, इक्विलिब्रियम पे इतने मोल्स हैं। अगर हम अपने रिएक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो टोटल मोल्स कितने आ रहे हैं इक्विलिब्रियम पे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस 2 अल्फा, क्या हो गया भाई 1 प्लस 2 अल्फा। तो 1 प्लस 2 अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1.93। तो यहां से अल्फा की वैल्यू है वो 0.465 आ जाए, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 0.465। मतलब हमें पता चल गया कि कितने मोल्स हैं, हमें पता चल गया क्या कि कितने मोल्स हैं हमारे पास, ठीक है। कब, इक्विलिब्रियम पे। आपको पता है जब कभी भी हमें केपी वाला एक्सप्रेशन पुट करते हैं तो वहां पर क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी टू, ठीक है। अब पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं हम, गिवन मोल्स अपॉन, है ना, कैसे निकालते हैं हम पार्शियल प्रेशर, गिवन मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इनटू इक्विलिब्रियम प्रेशर। यहां भी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा इनटू दिस, इसका स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अल्फा इनटू बी, ठीक है। सो हमें 1 प्लस 2 अल्फा है ना, हमें सारी वैल्यूज तो हमें पता ही है। अल्फा की वैल्यू क्या थी भाई, 0.465 अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा की वैल्यू क्या थी, 1.93। कैपिटल पी की वैल्यू क्या है, 1.9। देख रहे हो थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला पार्ट ज्यादा है ना, बट तो टाइम लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपको बाकी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहे तब मैं रिकमेंड करूंगा, देख रहे हो इसका स्क्वायर भी करना है। इवन दो क्वेश्चन में हमें मेंशन था क्या कि भाई आपको नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है, बट स्टिल इतनी सारी कैलकुलेशन करना इज नॉट रिकमेंडेड, है ना। 1.9 से 1.9 कैंसल, 1.93 से ये कैंसल, ये सारा का सारा काम जब आप सॉल्व करेंगे एंड जो आपका आंसर है नियर बाय 7 आएगा, तो जो नियरेस्ट इंटीजर है उसका वो 7 आएगा। तो थोड़ा लेंथी ज्यादा था, कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा था, दिस क्वेश्चन वॉज नॉट सपोज टू बी आंसर बाय यू, रीजन नॉट कि बहुत डिफिकल्ट था, कर नहीं सकते थे, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा था, एंड हमें ऐसा नहीं है इमोशनल होके क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, हमें दिमाग लगा के, है ना। बहुत सारे क्वेश्चन एनईटी सेक्शन में ऐसे थे जो इजिली हम अटेम्प्ट कर सकते थे, इतनी सारी कैलकुलेशन वहां पे नहीं थी। आई होप स्टिल अगर आपने ये अटेम्प्ट किया, प्रोसीजर सही फॉलो किया, आंसर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ओके। आई होप जितने भी ये न्यूमेरिकल्स थे वो आपको क्लियर हो गए।